महोदय, कौमा भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की चर्चा जिस बात को बराबर रेखांकित किया जाता रहा है और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है, कौमा वह यह कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ कौमा ध्यान उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है कौमा धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में कौमा एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में कौमा खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कौमा जैसा कि प्रायः ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में कौमा मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज़्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक ऊष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है। स्टॉप। वस्तुतः भक्ति और अध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है। स्टॉप। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, कौमा उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। स्टॉप। यहाँ ज़रूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में वे ज़्यादा मुखर और चिंताशील हैं कौमा, परंतु इस निर्णय पर पहुंचने के पहले हमें निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में कौमा साक्षात्कार करने की कौमा उसे ऊपर ऊपर ही नहीं कौमा भीतर तक पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा चेंज। लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कविता अपने अपने ढंग से सीमित और सीमाबद्ध जरूर हुई है कौमा, बदलते हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं कौमा, निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है कौमा, परंतु जैसा हमने कहा कौमा बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में कौमा अपने मानवीय सरोकारों में सगुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। स्टॉप। कविता महज विचार की नहीं होती कौमा, मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं कौमा, वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है कौमा और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। स्टॉप। जैसा कि हम आगे देखेंगे कौमा, विचार के स्तर पर सगुण भक्तों ने जो भी कहा और प्रतिपादित किया हो कौमा, भाव बोध के धरातल पर कौमा, संवेदना के धरातल पर कौमा, चित्रण के धरातल पर कौमा, विचार के स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम कौमा सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, कौमा ज़रूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में कौमा भीतर तक थाहने और पहचानने की है। स्टॉप।
इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं, कौमा उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। स्टॉप। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी ज़मीन, कौमा अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का, कौमा सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। स्टॉप। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, कौमा उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। स्टॉप। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है, कौमा उसकी अपनी सफलताएं, कौमा असफलताएं, कौमा असंगतियां और अंतर विरोध है। स्टॉप। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। स्टॉप। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायज़ा लें। स्टॉप। पैरा चेंज। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है। स्टॉप। जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। स्टॉप। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक, कौमा सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। स्टॉप। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काल भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसे प्रभाव है। स्टॉप। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। स्टॉप। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। स्टॉप। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। स्टॉप। विश्रृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और आध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को, कौमा बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। स्टॉप। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, कौमा परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, कौमा आचार्यों और धर्माचार्यों ने क्रम कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को ज़रूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। स्टॉप। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। स्टॉप।